फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सेम आलू फली की मसालेदार सब्जी की रेसिपी, जिसको मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। इसको आप कैसे बना सकते हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल, ये जानने के लिए आपको मेरी रेसिपी को पूरा एंड तक देखना होगा। तो बहुत ही फिंगर लिकिंग सब्जी है, इसको आप एक बार बनाकर जरूर देखें। और जिस तरह से मैंने बनाया है, अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब सेम ली है, जिसको कि इंग्लिश में ब्रॉड बीन्स भी बोलते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद में इसका पानी सुखा दिया। इसके बाद में इसको हमें इस तरह से क्लीन करना है। तो इसके एंड पॉइंट्स को इस तरह से थोड़ा सा ड्रैग करते हुए, खींचते हुए कट करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी रेशे होते हैं, जो इस तरह से अगर आप इसके कॉर्नर्स को ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, तो ये रेशे निकल आएंगे। अगर आप इनको नहीं निकालेंगे तो सब्जी खाते वक्त ये मुँह में आते हैं, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, सारी सब्जी को मैंने क्लीन कर लिया। अब इस सब्जी को मैंने इस तरह से काट लिया है, लगभग 1 इंच के टुकड़ों में मैंने काट कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू मैंने लिए, कच्चे आलू को छील लिया, इसके बाद में इस तरह से टुकड़ों में मैंने काट लिया। इसके साथ ही हम प्याज यूज करेंगे, तो 1 मीडियम साइज की मैंने प्याज बारीक काट कर ली है। 2 टमाटर मैंने लिए थे, उनकी मैंने मिक्सी में डालकर प्योरे बना ली है, तो ये हम यूज करेंगे सब्जी बनाने में। तो आइए मसालेदार सूखी सब्जी आलू और सेम के साथ बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल, जिसको मैंने अच्छे से गर्म करके इसमें आधी चम्मच राई डाल दी। आप सरसों भी ले सकते हैं, अच्छे से चटक जाएगी तब इसमें आधी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। दोनों चीजों के अच्छे से चटकने पर हम इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था, जिसको मैंने बारीक काट लिया, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, जिसको भी मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ है, तो वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। साथ साथ हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। फ्लेम हमारी यहाँ पर मीडियम हाई है, और मीडियम हाई फ्लेम पर आप प्याज को 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। बहुत ज्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे करी पत्ते। अगर आपके पास करी पत्ते हैं तो करी पत्ते आप इसमें थोड़े से ऐड करें, लगभग 8 से 10, ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो ढाबे वाले इस तरह से करी पत्ते का यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। देखिए, 1 सूखी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी है, जो इसको बहुत ही ज्यादा चटपटा और चटखादेदार बना देगी। तो देखिए, थोड़ा सा प्याज भी भुन चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही करी पत्ते भी भुन चुके हैं, और जो हमने लाल मिर्च डाली थी वो भी भुन गई है। तो अब इसमें हम टमाटर की प्यूरे डाल देंगे और इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरह से चला लेंगे। तो टमाटर के पेस्ट को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल को अच्छे से ऊज आउट नहीं कर देती, एजेस पर ऑयल नहीं आ जाता। तो इसके लिए आपको इसको चलाना है। इससे पहले मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो पूरी सब्जी में लगभग 1 चम्मच नमक जाएगा, तो वो मैंने पूरा एक बार में डाल दिया है। टमाटर में डालने से टमाटर बहुत जल्दी कुक होता है। तो ढक्कन लगाकर अब इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट। लगभग 3 मिनट के करीब हो चुके हैं, यहाँ पर ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है, और टमाटर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत अच्छा कलर भी आया है हमारी ग्रेवी का। अब इसमें हम चॉप की हुई बीन्स, साथ ही चॉप किया हुआ पोटैटो यानी कि आलू भी ऐड कर देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद में हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस यानी कि मसाले ऐड करेंगे। तो बहुत झटपट से बनने वाली आलू सेम फली की सब्जी है फ्रेंड्स, इसको आप एक बार इसी तरीके से बनाकर जरूर देखिए। ढाबा स्टाइल सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको पराठों के साथ खाइए, टिफिन में ले जाइए, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए, मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 से 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। वैसे सब्जी में हमने लाल मिर्च का यूज़ भी किया है, सूखी लाल मिर्च भी डाली है, साथ ही हरी मिर्च भी डाली है, जिससे ये काफ़ी चटपटी और काफ़ी मज़ेदार होगी। तो काफ़ी स्पाइसी है, आप इसको एक बार इसी तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सारे मसालों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी इसलिए क्योंकि आलू और सेम थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, उसको गलने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। तो सेम में इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो मैं इसमें यहाँ पर 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा इस तरह से धोकर मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर ढककर इसको 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाएंगे, बीच में 1-2 बार चला भी देंगे। तो ढक देते हैं इसको। देखिए, ढककर यहाँ पर मैं इसको 5 से 7 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद में चेक करते हैं।
देखिए ढक्कन मैंने हटा दिया है, सब्जी आप देख सकते हैं पककर बिल्कुल रेडी है, क्योंकि देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा इसका कलर, साथ ही इसने ऑयल को भी रिलीज कर दिया है, बहुत अच्छे से सब्जी पक चुकी है। तो देखिए हमारी मसालेदार सेम आलू फली की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में आप इसमें डालें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, मैं इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी, जिससे ये और भी ज़्यादा चटपटी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो गरम मसाले की खुशबू इसमें लास्ट में ऐड करें आप, एक बार मिक्स करेंगे और बस ये तैयार है। इसको आप ढक दीजिए, एक दो मिनट के लिए और ढक दें लास्ट में लो फ्लेम करके, और बस उसके बाद में तुरंत आप इसको सर्व कीजिए। आप इसको प्लेन पराठे के साथ खाइए, रोटी के लिए खाइए, या फिर आप इसको लंच में, डिनर में, टिफिन में, किसी में भी ले जाकर किसी चीज़ के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये सेम आलू फली की सब्जी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करके बताइए, और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगी, बनाने के बाद फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जल्दी से लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए एंड में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।